इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 14। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 14। और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। और यरूशलेम में दाऊद ने और स्त्रियां ब्याह ली और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए उनके नाम ये है, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, इभार, एलिशु, एलपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलिशामा, बेल्यादा और एलिपेलेद। जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया और पलिश्ती आए और रपाइम नाम तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वही मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है, इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया। वहां वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा मारा। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने किसी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया।